नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों आज बात करने वाला हूं और इस शेयर के ऊपर मैं ये पहली बार वीडियो बना रहा हूं और अब से आप देखेंगे कि मैं इस शेयर के ऊपर लगातार वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बैंक को मैं देख रहा था बहुत समय से वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि पिछले कई सारी अपॉर्चुनिटीज थी कि बैंकिंग से मैं थोड़ा दूर रह रहा था। तो अब से मैं कुछ बैंकों के ऊपर कवरेज अपनी बढ़ाऊंगा और लगातार इसमें वीडियो लाता रहूंगा। तो आज जिस वीडियो की बात कर आज जिस शेयर की बात करने वाला हूं उसका नाम है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक। और आप बात मानिए कि कोटक महिंद्रा बैंक ना आज के समय में HDFC बैंक से ज्यादा अच्छा शेयर है। हाँ, कई लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत एग्जैजरेट कर रहा हूं, HDFC बैंक ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए अपने कस्टमर्स को, बट दोस्तों देखिए जो बात है ना, मैं बात सिर्फ बैंक ही नहीं, बैंक को चलाने वालों की करूंगा। तो उदय कोटक जी हैं जो इनके बैंक के CEO हैं, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है पर्सनली, क्योंकि वो जिस तरह से बैंक चलाए हैं, आप उनकी थोड़ा पढ़िएगा उनके बारे में, कैसे उन्होंने बैंक चलाया, कैसे बैंक स्टार्ट किया, कैसे कोटक महिंद्रा बैंक बना, आप थोड़ा पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। ठीक है, तो पास हो गया। एज ए इन्वेस्टर हमें फ्यूचर देखना है कि क्या पास की जो परफॉर्मेंस है ये फ्यूचर में जारी रहेगी। तो दोस्तों मैं बता दूं, हाँ बिल्कुल जारी रहेगी। और ये बात कौन कह रहा है दोस्तों, मैं ही नहीं कह रहा हूं, जेफरीज, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट निकाली है। एज ए इन्वेस्टर हमें वो रिपोर्ट देखनी चाहिए, आपके सामने वो रिपोर्ट साझा करूंगा, लेवल्स पे चर्चा करेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक अगर यहां से गिरता है तो किस ओर जा सकता है और गिरावट कहां तक हो सकती है, कौन से बेस्ट बाइंग लेवल है। और दोस्तों मैं बता दूं, जो मैं आपसे बात करूंगा ये थोड़े लंबे समय तक की रहेगी, कोई भी ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टस से बिल्कुल भी ये वीडियो नहीं है दोस्तों। तो ये बात मेरी आप समझ लें और तभी ये वीडियो देखें दोस्तों। ठीक है, तो हर एक चीज में चर्चा करेंगे पूरे दोस्तों, क्रिस्टल क्लियर तरीके से करेंगे चर्चा। कोटक महिंद्रा बैंक में अगर निवेश करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दोस्तों प्लीज एक चीज मैं बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्रिप्शन बहुत कम हो रहे हैं, वीडियोस के व्यू थोड़े अच्छे ठीक ठाक हो रहे हैं दोस्तों, बट जो चैनल की ग्रोथ है वो नहीं हो पा रही है। तो गाइज अगर आपको ऐसे ही न्यूज स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक और जो ब्रेकिंग न्यूज जो भी आती है और मार्केट की तरफ से कोई ऐसी न्यूज लगातार आपको चाहिए तो आप बेल आइकन को दबा दें, प्रेस कर दें उस लाल बटन को क्लिक करने के बाद। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक किया कीजिए, क्योंकि ऐसा करेंगे तो YouTube दूसरों को भी रिकमेंड करेगा। अब दोस्तों चलते हैं सीधा शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए कि आज आप देखेंगे लगभग लास्ट ट्रेडिंग सेशन दोस्तों 0.69% की इसमें गिरावट हुई है। ठीक है, कितनी, 0.69% की। और दोस्तों आप देखिए तो पिछले 5 दिनों की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप देखिए 3.5% से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है पिछले 5 दिनों में। थोड़ा सा ना दोस्तों हल्का सा ये बेयरिश ट्रेंड में है अभी। ठीक है, बेयरिश ट्रेंड में है। और आप एक इसका 52 वीक हाई देखेंगे आप तो आप आएंगे 2,077 रुपए। और दोस्तों वही रीजन है कि जो अभी इस शेयर के लिए जो बहुत बड़ा ऊपरी तरह में रेजिस्टेंस है ना वो दो है, जो मुझे लॉन्ग टाइम में टूटते हुए मुझे बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस है दोस्तों ऊपर की तरफ, वो है 2,000 रुपए। इसको ये शेयर तोड़ना, अगर तोड़ता है दोस्तों और तोड़ करके एक दिन सस्टेन रहता है, दोस्तों याद रखिएगा अभी के बाजार के साथ ये हो रखा है, शेयर प्राइस जो है ना उस लेवल्स को जो शॉर्टर जो ऑपरेटर है वो जानते हैं कि कौन से शेयर ऐसे हैं जिन्हें लोग ध्यान देते हैं कि क्लोजिंग प्राइस पे तोड़ना है, तो उसे तोड़ के ऊपर रखते हैं और अगले दिन अचानक से 2 बजे 12 बजे के बाद उसमें गिरावट शुरू कर देते हैं। इसीलिए जब तक एक दिन सस्टेन नहीं कर जाए पूरा, कंफर्मेशन नहीं आएगी कि अपने रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ा है दोस्तों। पहला रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है 2,000 रुपए। दूसरा रेजिस्टेंस अगर मैं आपसे बात करूं तो 2,100 रुपए। ये जब तक दो रेजिस्टेंस को तोड़ करके अच्छी तरीके से बंद नहीं होते दोस्तों, कोई भी स्ट्रेंथ के साइन इसमें कुछ नहीं है, भले कोई भी बात कर ले दोस्तों। ठीक है, ऊपरी स्तरों में ये है। अब बात करते हैं नीचे जाने की कि दोस्तों देखिए हल्का से बेरिश ट्रेंड में तो आया है कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ये बेरिश ट्रेंड के ऊपर बिल्कुल है। ठीक, लेकिन देखिए अगर 1 महीने की बात करूं तो आपको इसमें थोड़ी तेजी दिखाई देगी। देखिए 5.25% ये भाग चुका है, बट अब यहां से गिरने की ट्रेंड शुरू हुई है। तो देखिए नीचे की तरफ अगर बात करें तो जो आप इमीडिएट सपोर्ट बोलेंगे दोस्तों वो आप बोलेंगे 1,800 रुपए से। ठीक है, 1,800 रुपए से लेकर के ये जो है ना, ये अगर नीचे गिरावट होती है तो 1,800 रुपए, फिर 1,750, ये जो है ना दोस्तों
जब तक ये दो लेवल के नहीं तोड़ता तब तक मैं मान के चलूंगा कि ये शेयर कंसोलिडेट कर रहा है, और जिस दिन ये टूटा ना दोस्तों क्लोजिंग बेसिस पे गिरावट और सीवियर होगी। और बता दूं अल्टीमेट सपोर्ट दोस्तों 1640, ये आप याद रखिए 1640, इससे ज्यादा गिरने के चांसेस मुझे अभी कतई नहीं दिख रहे। हाँ, कोई बहुत बुरा हो जाता है मार्केट में, कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं कि जो अनप्रेसिडेंटेड रहे तो गिरावट शुरू होती है, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ ये टूट लेवल टूट सकते हैं, वरना करंट लेवल में कोई भी लेवल नहीं टूट सकते। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा कुछ दिखता है टेक्निकल में तो मैं फिर आपके सामने ये वीडियो लेके आऊंगा और जरूर बनाऊंगा इसके ऊपर वीडियो, ताकि आपको कोई भी घबराहट ना हो दोस्तों। बट एक बार बता दूं, कुछ भी हो लॉन्ग टर्म के लिए कोटक महिंद्रा बैंक इज अ मस्ट बाय, बहुत जबरदस्त बैंक है दोस्तों ये, ठीक है। ये तो हो गई बात दोस्तों लेवल्स की, और अब आप बताएं कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है। दोस्तों देखिए ये रिपोर्ट पढ़िए, एनालिस्ट कॉर्नर, कोटक महिंद्रा बैंक रिटेन बाय टारगेट प्राइस रिवाइज टू ₹2,340, यानी करेंट मार्केट प्राइस से 10-15% आपको, 10-15% की आपको ये तेजी बता रहा है। और ये कौन है दोस्तों, किसके बारे, बाय जेफरीज, 8 अक्टूबर की दोस्तों ये रिपोर्ट है, यानी ये कल या परसों की ही रिपोर्ट निकाली गई है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें लिखा है दोस्तों, व्हाइल बैंक हैज स्केल्ड अप लायबिलिटी फ्रेंचाइज वेल विद कैसा रेशियो ऑफ 60%, कैसा रेशियो आप देख लीजिए दोस्तों 60% की है, इट हैज बीन रेदर कंजर्वेटिव अबाउट ग्रोइंग द रेंज कॉर्पोरेट बुक ड्यू टू कंसर्न्स ओवर लोअर यील्ड। कॉर्पोरेट को दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक अभी लोन देने से थोड़े से कतरा रहे हैं, और क्यों, कोविड कंसर्न्स के कारण एनपीए बढ़ने के डर से। देखिए टेक अवे क्या है इस रिपोर्ट से, वन इंटरेक्शन विद मैनेजमेंट पॉइंट दैट ग्रोथ एपेटाइट इंप्रूव्ड अ बिट इन रिटेल इंक्लूडिंग अनसिक्योर्ड एसएमई। दोस्तों देखिए कोविड के बाद ना भले कोटक ही नहीं, सारे बैंक्स कहां फोकस कर रहे हैं दोस्तों, रिटेल में, ठीक है, सबके सब रिटेल में कर रहे हैं, और कोई अनसिक्योर्ड भी दे रहा है दोस्तों तो भी वो रिटेल में दे रहा है। आप देखिए यहाँ पे रिटेल में क्यों, क्योंकि कॉर्पोरेट दोस्तों कोविड के बाद ना टेंशन में होते हैं एनपीएस की, और इसीलिए कोटक भी आप देखिए कि रिटेल में ज्यादा फोकस कर रहा है। आगे है, लार्ज कॉर्पोरेट लेंडिंग स्टिल नॉट बिग फोकस डिस्पाइट बैंक्स लो फंडिंग कॉस्ट। दोस्तों अभी भी जो कोटक महिंद्रा बैंक है वो काफी कंजर्वेटिव है लार्ज कॉर्पोरेट लोन देने के लिए। बैंक इज ओपन टू इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटीज, प्रेफरेंस मे बी टू क्रेडिट कार्ड गोल्ड एंड एफएमएफआई लोन्स। दोस्तों देखिए इनऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होती है, कोई एक्विजिशन करना, ठीक है, और कोटक महिंद्रा बैंक अभी यही कर रहा है, थोड़ा सेफ चल रहा है इनऑर्गेनिक ग्रोथ, और सबसे बड़ा फोकस किसके ऊपर दे रहा है दोस्तों, ये क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर। मैंने आपसे कहा है हमेशा से क्रेडिट कार्ड आने वाले समय में बहुत बूमिंग सेक्टर है, और ये बिल्कुल ही एक अच्छा सेक्टर जाएगा दोस्तों, बहुत अंडर पेनिट्रेट है इंडिया में, ठीक है। आगे आप पाएंगे इसमें तो आप पाएंगे दैट सक्सेशन विल ऑफर स्कोप टू रीऑर्गेनाइज टीम एंड लुक एट फ्रेश टैलेंट, आवर बेस केस इज इंटरनल इवैल्यूएशन फॉर सीईओ, ग्रोथ अपटेक इन सक्सेशन विल बी की टू स्टॉक रिटर्न्स। यानी आने वाले समय में जो कोटक जी, उदय कोटक, उनका मैनेजमेंट चेंज होने वाला है दोस्तों, और उसी के बाद मैनेजमेंट ये चाह रही है अभी की तरफ कि जो आने वाली मैनेजमेंट है उसको ऐसी चुने कि जो ग्रोथ स्टोरी जो कोटक के पिछले जारी रही है वो आगे भी जारी रहे, इसीलिए बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। आगे है इसमें दैट कोटक बैंक इज फोकस्ड ऑन ग्रोइंग हाउसिंग लोन्स बाय ऑफरिंग लोअर रेट्स एंड लेवरेजिंग स्टाफ बेस्ड एंड डीएसए चैनल्स, बैंक ऑल्सो अपीयर्स कंफर्टेबल ग्रोइंग अनसिक्योर पर्सनल लोन एंड क्रेडिट कार्ड बुक इन एसएमई स्पेस, बैंक हैज हायर एक्सपोजर टू ईसीएलजी लोन्स 5.4% ऑफ लोन एंड वी आर इंकरेज दैट क्वालिटी ऑफ द बुक हैज हेल्ड अप वेरी गुड सो फार टिल Q1। बैंक ऑल्सो सीम टू ओपन टू लैंड टू बेटर क्वालिटी एसएमईज इन सेलेक्टेड सेक्टर। यानी आपको मैं समझा दूं इसका टोटल शॉर्ट चीज ये है कि जो बैंक है कोटक आने वाले समय में दोस्तों जो सबसे बड़ा फोकस कर रहा है, पहला पर्सनल लोन, ठीक है, पर्सनल लोन, और दूसरा दोस्तों क्रेडिट कार्ड लोन, ठीक है, पर्सनल एंड क्रेडिट कार्ड लोन को ये अपनी ग्रोथ स्टोरी का बहुत बड़ा हिस्सा मान रहा है। दूसरा एसएमई को लोन देना, ठीक है, और वो भी स्पेसिफिक सेक्टर को जहां ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहती है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इनके बात कहना ये है कि इन सब चीजों से ग्रोथ अच्छी होगी प्लस सिक्योरिटी बने रहेगी। अभी दोस्तों जो कंसर्न है ना बैंकों को वो उनके एनपीएस को लेकर के है, ठीक है। अब आप देखिए आगे लिखे है दैट डिस्पाइट लो फंडिंग कॉस्ट कॉशन ऑन लार्ज कॉर्पोरेट लेंडिंग सेज व्हाइल बैंक हैज स्केल्ड अप लायबिलिटी फ्रेंचाइज विल बी कासा रेशियो 60%। हर एक चीज दोस्तों वही कह रही है बार बार
कि भाई इनकी जो ग्रोथ स्टोरी वो अच्छी है, खासा अच्छा है। इनका मेन आने वाला फोकस है दोस्तों बैंक का, वो है रिटेल बैंकिंग लोन, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड में। और आप देखिएगा इसी को लेकर के ये ग्रोथ स्टोरी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आने वाले समय मुझे भी लगता है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक इज अ मस्ट बाय। अगर कुछ भी गिरावट होती है तो आपको एक्यूमुलेट इसमें जरूर करना है दोस्तों। अभी थोड़ा सा बेरिश है, तुरंत इसमें एंट्री करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा देखें रेजिस्टेंस जो मैंने आपसे बताया ऊपर स्तरों में और नीचे जो लेवल्स हैं वहां अगर सपोर्ट ले रहा है तो वहां पे आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था कोटक के ऊपर। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ये इस वीडियो का अंत तक यहां तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।